आ रहे हैं। इकरार से मजीद बात करूंगा। इकरार, एक इंकशाफ ये भी सामने आया है कि आमिल और काले जादू के चक्कर में भी ये मुल्जिम पड़ा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, ये अब तस्दीक हो गई है इसकी। मैं कम से कम हर बात जो मैं कह रहा हूँ चार जराए से तस्दीक करने के बाद, क्योंकि इस तरह के बाद बहुत सारी बातें निकलना शुरू होती हैं, लेकिन इसके करीबी दोस्तों से, अहले मोहल्ला से और वहां जो मेरे अज़ीज़ो अक़ारिब मौजूद हैं उनसे तस्दीक के बाद बहुत बहुत मुसद्दका तौर पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि तावीज़ धागा एक जाली पीर के तौर पर, एक काले आमिल के तौर पर भी ये वहां पर सरगर्म अमल था। बदकिस्मती की बात यह है, मैं जो समझता हूँ सबसे बुनियादी नुकता ये कि दीन जिस तरह से हमें उससे तालीम लेनी चाहिए, जिस तरह से इस्लाम का वो पहलू जो इंसानियत का दर्श देता है, लोगों का ख्याल करने का दर्श देता है, बदकिस्मती से कहीं ना कहीं हमारे उलमा, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इस्लाम के उस मुस्बत, उस पुरअमन पहलू को, लोगों का ख्याल रखने के पहलू को, उफू और दरगुजर, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करने के पहलू को उजागर नहीं कर पा रहे हैं बदकिस्मती से। यह सबसे बुनियादी नुकता मेरा ख्याल है। हमने जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितनी बदकिस्मती से इस तरह की नफसियाती मसाइल, जितने शिद्दत पसंदी, जितनी नफरत, जितना तासुब इस तरह के लोगों में देखा है कि जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सोबत में मौजूद रहते हैं, शायद दूसरे लोगों में निस्बतन कम है। सो उलमा पे, उन तमाम लोगों से जो दीनी हलकों से वाबस्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी जरूर है कि वो असल पैगाम इस्लाम का इस तरह के लोगों तक पहुंचाएं। और बदकिस्मती से यही वो तमाम तर चीजें हैं, ज़ईफ़ुल एतिक़ादी है, जिसकी वजह से इस तरह के लोग पैदा होते हैं। तो मैं बहुत वसूख के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये खबर अपने नाज़रीन से शेयर कर रहा हूं कि ये अपने इलाके में, अपने हलके में एक काले आमिल के तौर, काला इल्म करने वाले आमिल के तौर पर भी जाना जाता, तवीज गंडा भी करता था, एक नाम निहाद सा छोटा मोटा जाली पीर भी था, साथ ही साथ ये जुए का आदि भी था। और जब ये फरार हुआ है उससे एक दिन पहले ये अपने दोस्तों में 13,000 रुपए का जुआ जीता है। यानी जो शख्स जुआ करता है, खेलता है, जो शख्स लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को तंग करता है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन जाती है मुतल्लिका पुलिस चौकी में, उस शख्स के बारे में उसको भी पकड़ने के बाद छोड़ दिया जाता है। और यहां पर